हेलो अस्सलाम वालेकुम यूवर कैसे हैं आप उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे तो आज का हमारा टॉपिक है टॉप डायमंड प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड यानी दुनिया में वो कौन कौन से ममालिक हैं जहां पर सबसे ज़्यादा जो है वो डायमंड प्रोड्यूस किया जाता है डायमंड एक्स डायमंड एक्सपोर्ट किया जाता है यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो हीरे के कानने हैं वो कौन से ममालिक में हैं तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे ठीक है तो हमारे पास एक डेटा है जिसमें दो हज़ार चार से लेकर Uh, 2021 तक जो सबसे ज़्यादा डायमंड uh, की प्रोडक्शन में ममालिक आगे रहे हैं उनमें रशिया पहले नंबर पे है ठीक है और बोस्टवाना दूसरे नंबर पे है कनाडा तीसरे नंबर पे है और uh, जो है डॉक्टर कोंगो चौथे नंबर पर साउथ अफ्रीका पाँचवें नंबर पर एंगोला छठे नंबर पर जिम्बाब्वे सातवें नंबर पर नेम्बिया आठवें नंबर पर सीरा लियोन नौवें नंबर पर लेसोथो दसवें नंबर पर जी एन ए ग्यारह नंबर पर ब्राज़ील बारहवें नंबर पर सी ए रिपब्लिक तेरहवें नंबर पर लिबरिया चौदहवें नंबर पर गाना पंद्रहवें नंबर पर गियाना सोलहवें तंजानिया सत्तरवें आर ऑफ कोंगो अठारहवें ठीक है लिबोरी कोस्ट उन्नीसवें कैमरॉन में, गेबोन में, वीजिला बाईस में तो ये एक पूरी लिस्ट है जिसमें हम देख सकते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो हीरे की प्रोडक्शन है वो किस मुल्क में होती है तो मैं एक मरतबा फिर आपको तो लोगों को बताता चलूँ रिपीट करता चलूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो हीरे की प्रोडक्शन है वो रशिया में होती है दूसरे नंबर पर बोस्टवाना तीसरे नंबर पर कैनेडा चौथे नंबर पर डॉक्टर कोंगो पाँचवें नंबर पर साउथ अफ्रीका छठे पे एंगोला, सातवें पे जिम्बावे आठवें पे निम्बिया नौवें सीरी सीरो लियोन ठीक है और दसवें पे लीसो थो तो ये दुनिया के सबसे बड़े ममालिक हैं डायमंड प्रोड्यूसिंग के हवाले से ठीक है तो आप देख सकते हैं कि डायमंड प्रोड्यूसिंग में रशिया जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा अनडिसप्यूट लीडर है आप रशिया की प्रोडक्शन देख सकते हैं कि रशिया दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है वो डायमंड प्रोड्यूस करता है एक्सपोर्ट करता है ठीक है दूसरे नंबर पे बोस्टवाना है तीसरे नंबर पे कैनेडा है यानी ये तीन ममालिक दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है हीरे की पैदावार में शामिल हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखिएगा पाकिस्तान जिंदाबाद